The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के दौरान आप लोग, कई सारे लोग जो हैं, इंक्लूडिंग मी, उनका जीवन, उनकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी है, रहन सहन, कई लोग अपने बहुत सारे दोस्तों को, घर वालों को खो चुके हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक लड़ाई है जो आज भी जारी है और आगे फिर आएगी, चाहे वो कोरोना वायरस का थर्ड वेव हो या कोई और वायरस हो, ये ख़त्म नहीं होने वाली। आज भी आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज्ड रखना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट इन्फेक्शन जो है वो आपको ना हो पाए, मिनिमाइज कर सकें आप उस रिस्क को। उसके लिए कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, भूलना नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लिख के रख लो, चाहे आप गांठ बांध लो, ये ज़रूर 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 करना है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेशेंट को लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, डाइट। खाओगे पियोगे नहीं तो हेल्थ इम्यूनिटी नहीं बनती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लो कार्ब, हाई प्रोटीन, हाई नॉर्मल से ज़्यादा वाइटमिन वाली डाइट आपको चाहिए। इस प्रकार के टाइम पे आपके वाइटमिन लेवल्स कम नहीं होने चाहिए। यू नीड प्रोबायोटिक इन योर डाइट। आपके अंदर, आपकी डाइट में कई सारे, जितने हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन सोर्सेस, आपके वेजिटेरियन है तो सोया, पनीर, मशरूम, स्पिनिच, ब्रोकली, ऐसी चीज़ें हैं, क्यूनोवा, मूंगफली, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं। घी, बटर, मक्खन, मलाई कम, 1-2 चम्मच घी, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। चोपड़ी रोटी की जगह, पराठे की जगह रोटी खाइए नॉर्मल, राइट। मैदे सी जगह नॉर्मल आटे की मल्टीग्रेन रोटी, मल्टीग्रेन ब्रेड। डाइट बहुत ज़रूरी है, याद रखिए, हज़ारों बार हमने समझाया है। वन ऑफ द गुड डाइट हियर इज़ डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, अ डेडिकेटेड वीडियो इज़ देयर फॉर दैट। ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट में, याद रखिएगा। सो इम्प्रूव योर डाइट। योगर्ट, दही बहुत अच्छा है और विटामिन्स अच्छे होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज गुड स्लीप। 7-8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं ले पा रहे हो 6 घंटे भी, तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी और फिर कोई वायरस को आसानी हो जाएगी आपके अंदर हावी हो जाने में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। पानी खूब इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8-10 गिलास अच्छे से पियेंगे तो 12 गिलास पानी रोज़ पीना ज़रूरी है, यानी 4 लीटर, कम से 3.5-4 लीटर पानी आपको डेली चाहिए। ना सिर्फ हाइड्रेशन आपके शरीर से टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है, आपके फ्लू और वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस को कम करता है, आपको हाइड्रेटेड रखता है। इन्फेक्शन के दौरान आप कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर हीट एज वेल एज फॉर हाइड्रेशन, बहुत ज़रूरी है। फोर्थ चीज़ है आपकी एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप दैट। वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, जो भी आप घर पे कर सको, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 45 मिनट्स ज़रूर एक्सरसाइज करिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्टेमिना। घर पे करिए, बेड पे करिए, चाहे जैसा आपकी क्षमता है वैसे करिए, बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। एंड देन फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम रखिए, बहुत चिंता है, बहुत स्ट्रेस है, पैनिक है, पता है मुझे, बट यू हैव टू डू ब्रीदिंग मेडिटेशन, आपको ज़रूर शांत होना है। उल्टी सीधी चीज़ें, स्मोकिंग, अल्कोहल, दारू से दूर रहिए, रिलैक्स करने की कोशिश करिए, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव चीज़ें हटाइए दिमाग से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस कम करना, नींद अच्छी रखना, अपने घर वालों से पॉजिटिव बातें करनी, पॉजिटिव चीज़ें देखनी, पॉजिटिव चीज़ें रखनी। जो बच्चों के दिमाग में हम डालते हैं ना, सिर्फ बच्चों को थोड़ी बोलते हैं चल झगड़ा देखेंगे, चल गालियाँ सुनेंगे, नहीं। सो वी ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर पॉजिटिव थिंग्स गो इनसाइड देयर माइंड, मेक श्योर टू डू दैट सेम थिंग फॉर यू ऑल्सो। देन कम सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, वाइटमिन्स, फिर आता है, हमने सबको पता है, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक,
हल्दी, अदरक सब बहुत अच्छा है, तुलसी, गिलोय, ये सब आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है अगर आप लेना चाहें। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपको हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप करिए ताकि आप फिट रहें। एक एक चाहे लॉकडाउन हो, चाहे थर्ड वेव हो, चाहे वायरस आए, चाहे कोई बैक्टीरिया आए, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ऑलराइट, आई एम डॉक्टर परमजीत। और लेट मी इंट्रोड्यूस वन प्रोडक्ट टू यू। यू कैन ट्राई दिस कपीवा तुलसी गिलोय जूस। ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। ये इसके अंदर दो बहुत इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो है तुलसी, एक है गिलोय, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, आपके लिवर को हेल्दी बना सकता है, और इसके जूसेस डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करते हैं आपके बॉडी के अंदर, आपके पेट के अंदर, और इवन आपके गलत बदबू आती है अगर स्मेल ख़राब है उसमें हेल्प करते हैं, आपके बैड ब्रेथ के लिए हेल्प करते हैं, डेंटल हेल्थ के लिए हेल्प करते हैं। आपके तुलसी और गिलोय आपको पता है आपके अंदर से आपको रिजुविनेट करने में हेल्प करेंगे, इवन इन्फेक्शंस, फीवर, कोल्ड, फ्लू इसमें हेल्प करते हैं। तुलसी के अंदर बिल्कुल रेस्पिरेटरी बीमारियां, सांस की बीमारियां और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की प्रॉपर्टी भी है। और गिलोय, बहुत सुना है आपने, गिलोय हेल्प करता है, एंटीडोट है स्ट्रेस के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शंस में बहुत काम करता है। तो इस तरीके का जूस, ये जूस आप ट्राई कर सकते हो, इसको आप रेगुलरली ले सकते हो, अपना मेटाबॉलिज्म, अपनी इम्यून सिस्टम, अपने बॉडी के फंक्शंस को बेटर करने के लिए। एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये बहुत बढ़िया है, वीगन है, प्रीमियम क्वालिटी है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, 100% नेचुरल, नो शुगर, सबसे अच्छी बात है। डायबिटिक हैं तो भी ले सकते हैं, बढ़िया सा प्रोडक्ट है, इसको ट्राई कर सकते हैं। कपीवा का है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ढक्कन आता है इसके साथ में, आप इसको ले सकते हैं जूस। सो दिस इज़ अगेन, ये जो है गिलोय जो है, ये नीम की ट्रीज़ में ग्रो किया जाता है, इससे क्या होगा, एडेड बेनिफिट आ जाता है नीम का भी, तो नीम के न्यूट्रिएंट भी आते हैं। तो नीम, गिलोय और तुलसी तीनों चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया हेल्थ इफ़ेक्ट आपको देते हैं। इसका एक आपको रिकमेंडेशन करना था। बाकी हेल्थ अपनी बना के रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ का हम लिंक नीचे दे देंगे अगर आपको लेना हो। ऐसी ही कोई अच्छी चीज़ होती है तभी आपको बताते हैं, अननेसेसरी चीज़ें नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।